हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजी ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के चैप्टर 10 का, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता भी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। तो जो सीवेज है, बेसिकली जो वेस्ट वाटर है जो हमें घरों से मिलता है ज़्यादातर या इंडस्ट्रीज से मिलता है, उसे हम ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि वो कम पॉल्यूटिंग हो। क्योंकि अगर हम उसे डायरेक्ट किसी वाटर नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ेंगे तो वो उस नेचुरल वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड कर देगा, और जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो वाटर पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस सीवेज को सबसे पहले ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि वो कम पॉल्यूटिंग हो। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। तो जो ट्रीटमेंट होता है वाटर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स द्वारा करा जाता है। हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स मतलब जो अपना बेसिकली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो उन्हीं में से एक माइक्रोब्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें डीकम्पोज करके अपने लिए खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही माइक्रोब क्या करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, और ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। क्योंकि सीवेज बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है, एक तो जो वेस्ट वाटर होता है घर का, ठीक है, उसे कंसिस्ट करता है, और उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरा भी इंक्लूडेड होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरा जो है वो बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को कंसिस्ट करता है, तो वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, वही क्या करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेज, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट है वो दो स्टेजेस में होता है। पहला ट्रीटमेंट हमारा होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सेकेंड हमारा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर हम उसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल होते हैं उन्हें रिमूव करा जाता है फिजिकली बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फिल्ट्रेशन, फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें देखिए डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। तो जो ऊपर तैरता हुआ मलबा होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें रिमूव करा जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। जैसे मान लीजिए आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए और थोड़े बड़े बड़े कंकड़ डाल दीजिए, तो जब आप उसे एक कपड़े के थ्रू फिल्टर करेंगे तो उसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो गंदा पानी है वो एक गिलास में छन जाएगा। तो ये जो छानने का प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, द ग्रीट मीन्स सॉयल और जो स्मॉल पीबल्स मीन्स बहुत छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और जो मिट्टी होती है उन्हें हम रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम एक पानी को उसे एक कंटेनर में रख देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सॉयल होती है या छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठते जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑल सॉलिड डेट सेटल डाउन, तो ऐसे सॉलिड जो नीचे सेटल हो जाते हैं और लेयर का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, और जो सुपरनेटेंट होता है मीन्स जो ऊपर लिक्विड तैर रहा होता है उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट, या हम उसे प्राइमरी इफ्लुएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, प्राइमरी स्लज और इफ्लुएंट। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं जो होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमें वहाँ से प्राइमरी इफ्लुएंट मिला होता है उसे हम मूव कराते हैं एरिएशन टैंक में या एरिएशन टैंक में भेजते हैं, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एग्रेटेड एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट।
एरिएशन टैंक बेसिकली एक बड़ा सा टैंक होता है, आपको इमेज भी दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो उसमें क्या होता है कि जो इफ्लुएंट है उसे हम एगिएट करते हैं, मीन्स लगातार घुमाते रहते हैं और उसमें एयर को पंप करते रहते हैं, मीन्स उसमें हवा को डालते रहते हैं। दीज अलाउ ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। ये क्या करता है कि जो हमारे एरोबिक माइक्रोब्स हैं, मीन्स जो ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है और उन्हें फ्लॉक्स में कन्वर्ट करता है। तो फ्लॉक्स क्या होते हैं? मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लॉक्स बेसिकली बैक्टीरिया का मास होता है, मीन्स बैक्टीरियाज होते हैं, ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, जो एसोसिएटेड होता है फंगल फिलामेंट, मीन्स फंगल के फिलामेंट के साथ। और वो बैक्टीरिया फंगल के फिलामेंट के साथ मिलके एक मैश लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। मैश मतलब जाल लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसे मान लीजिए एक ये बैक्टीरिया है, ये इस फिलामेंट से जुड़ा, यहाँ पे एक बैक्टीरिया जुड़ गया, फिर यहाँ पे एक बैक्टीरिया जुड़ गया, यहाँ एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया जुड़ गया, ये एक बैक्टीरिया। तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाता है और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, मैश की आपको ऊपर स्क्रीन पे एक इमेज भी दिख रही होगी तो आप समझ जाएंगे कि मैश लाइक स्ट्रक्चर होती क्या है। दिस माइक्रोब कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट एंड रिड्यूस बीओडी। तो ये जो माइक्रोब्स थे जिन्हें हमने ग्रो करवाया, ठीक है, इफ्लुएंट में, वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इफ्लुएंट में, ठीक है, उसे कंज्यूम कर लेते हैं और वाटर का बीओडी रिड्यूस कर देते हैं। तो बीओडी बेसिकली क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि कई बार ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो बीओडी क्या होता है कि बैक्टीरिया द्वारा जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा 1 लीटर वाटर में बने हुए ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, वो हमारा क्या कहलाएगा, बीओडी। मीन्स कि 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे ऑक्सीडाइज कराने के लिए बैक्टीरिया को जितने भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग, मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो अगर किसी भी वाटर या वेस्ट वाटर का बीओडी ज़्यादा है, मीन्स उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा है तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। ठीक है, तो जिसका बीओडी ज़्यादा होगा, जिस वेस्ट वाटर का बीओडी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ही पॉल्यूटिंग होगा। ठीक है, एज बीओडी ऑफ सीवेज इज रिड्यूस द इफ्लुएंट इज देन पास इन टू सेटलिंग टैंक वेयर फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। तो अब जब जो हमारा सीवेज था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसका जब उसमें जो इफ्लुएंट है उसका जब बीओडी रिड्यूस कर जाता है यानी कम हो जाता है, तो उस इफ्लुएंट को हम पास करते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में हम उसको पास करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फ्लॉक्स बने हुए थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जो हमारी फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो सेडिमेंट हो जाते हैं, मीन्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर हमारा एक सेकेंडरी इफ्लुएंट बन जाता है। ठीक है, द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज एंड स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। तो अब देखिए सेडिमेंट में क्या हमने देखा, जब हमने दोबारा से सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराया तो जो फ्लॉक्स था वो नीचे बैठ गया। अब वो जो फ्लॉक था उसे, जो नीचे बैठ गया, जो सेडिमेंट हो गया, उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब हम क्या करते हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज के थोड़े से पार्ट को या उसमें से थोड़े से अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पार्ट को क्या करते हैं, एरिएशन टैंक में भेज देते हैं ताकि वो एज एन इनोकुलम सर्व कर सके। इनोकुलम मतलब जैसे हमें किसी चीज़ के लिए इनिशिएशन की ज़रूरत होती है, जैसे हमें अगर गैस जलानी है, ठीक है, तो हमें वहाँ सबसे पहले इनिशिएशन करना होगा कि वहाँ चिंगारी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इनिशिएशन होगा, उसके बाद वो गैस लगातार जलती रहेगी जब तक आप सीएनजी की या फिर नेचुरल सॉरी गैस की सप्लाई देते रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज के थोड़े से पार्ट को उस एरिएशन टैंक में डाल देते हैं ताकि वो एज अ इनिशिएटर काम कर सके। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे खुद ही फ्लॉक्स बनना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा उसकी
हेल्प से, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड इनटू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर वेयर एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगाई इन द स्लज। अब तो जो बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज होता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लज तो था एरिएशन टैंक में डाल दिया, अब जो बाकी बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज होता है उसे हम एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि वहाँ पे एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं एरोबिक बैक्टीरिया को और फंगई को जो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं स्लज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा बैक्टीरिया और फंगई को जो प्रेजेंट होंगे स्लज में, इसीलिए हम इसे एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैस नोन एज बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एट एज इट इज इन्फ्लेमेबल। तो जो एनोरोबिक बैक्टीरिया होता है ये डाइजेशन के समय पे कुछ प्रोड्यूस गैसेस प्रोड्यूस करता है, कुछ गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, जिसमें बेसिकली मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है। तो उस पूरे गैसेस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, बायोगैस, और इसे हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये इन्फ्लामेबल होती है, मीन्स इसे हम जला सकते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंड ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडी, मीन्स अब जो इफ्लुएंट होता है उसे हम क्या करते हैं, जो इफ्लुएंट हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से मिला उसे हम नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं, मीन्स भेज देते हैं, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग हो चुकी है, तो उसी को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने दो प्रोग्राम लॉन्च करे हैं जिनका नाम है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। इस प्लान के थ्रू या इस प्लान के तहत क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर में क्या करा जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया जा रहा है, ताकि जो वाटर प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज से या फिर बड़े बड़े शहरों से, उसे हम क्या करें, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में ना भेज के पहले हम उसका ट्रीटमेंट करें और उसे कम पॉल्यूटिंग बनाएं उस वेस्ट वाटर को, और उसके बाद हम नेचुरल बॉडी में उसे रिलीज करें ताकि वो नेचुरल बॉडी को पॉल्यूट ना करे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।